यह है टाइटन का 90110NM01 70,995 की प्राइस रेंज में आर्टिकल है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपके रूबरू करेंगे। ऑटोमेटिक वॉच है ये। इसके बॉक्स की जो पैकिंग है टाइटन के पॉलीथीन में भी नहीं समाती। तो गाइज़ ये देखिए ऑटोमेटिक टाइटन वॉच, बॉक्स की जो पैकिंग है खूबसूरत लुक में। साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, हम इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी सबसे पहले ओपन करते हैं। बॉक्स में आपको देखने को मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ वारंटी कार्ड, जिसमें 2 ईयर्स की वारंटी मेंशनड होती है। ऑटोमेटिक वॉच है ये, यहाँ पे हम लगा देते हैं इसे। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इस वॉच का, ये भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो ये है खूबसूरत वॉच। ये देखिए ऑटोमेटिक जो वॉचेज होती हैं इनमें बैटरी नहीं होती। आप यहाँ पे स्प्रिंग देख रहे हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं हाथ की, ये हाथ की मूवमेंट के साथ चार्ज होती हैं, उनमें पावर आती है और वर्किंग शुरू कर देता है। और ये जो पावर होती है रिजर्विंग पावर होती है 24 से 36 घंटे तक। अगर हम दिन में 7 दिन लगातार बांधते हैं, 24 से 36 घंटे तक की इसमें बैटरी जो चार्ज हो जाती है, और उसे विदाउट वियर आप 24 से 36 घंटे रखेंगे तो टाइम का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन आपको ये वॉचेस को कंटिन्यूसली वियर करना ज़रूरी होता है, अगर आप इसके टाइम में कोई डिफरेंस नहीं चाहते। आइदर आपको जब भी वॉच को वियर करना है तो इसका टाइम मिला के रखना पड़ेगा। इसमें जो लॉक दिया गया है ये पुश लॉक है, और जो चैन है मैश चैन है। मैश चैन में इधर ये लॉक बहुत कम देखने को मिलता है, सिर्फ ऑटोमेटिक वॉच में। लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ऑटोमेटिक वॉच में ही आपको ये लॉक देखने को मिलता है। इसको हम यहाँ से मूव करके, ये लॉक है इसका, यहाँ से मूव करके जितना छोटा बड़ा करना है करके, उसके बाद आप यहाँ से इसे दोबारा से लॉक कर सकते हैं। ब्लैक मेटल में है फुल। जो इसका केस है, केस का जो मटेरियल है ये आप देख सकते हैं, ये भी ब्लैक मैट फिनिश में है टोटली। चाहे वो रिंग हो या फिर आप केस की देख रहे हो डिज़ाइनिंग, तो मैट में है टोटली। और इसमें जो ग्लास दिया गया है ये डूम ग्लास है, लेकिन डूम की लुक जो दी गई है, आप पहले पुरानी वॉचेस देखते थे जैसे ऑटोमेटिक वॉचेस आती थी HMT वगैरह की, तो वैसे ही लुक दी गई है, एक रॉयल लुक देने के लिए, एंटीक लुक देने के लिए। इसका मिरर डिज़ाइन किया गया, पहली वॉचेज में प्लास्टिक में मिरर आता था, लेकिन इसमें आपको जो मिरर है ये प्लास्टिक का नहीं है, टोटली कच का है। बैक साइड पे आप देखेंगे तो आपको मैकेनिज्म प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंदर की पूरी मशीनरी इसमें विजिबल होती है। जो इसका बैक कवर है स्टेनलेस स्टील में ये डिज़ाइन किया गया होता है ये, और इंटरनल पोर्शन जो होता है इसका ये प्लास्टिक है, कच नहीं है, ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक में से आप पूरी मैकेनिज्म को देख सकते हैं, फ्रंट में भी आपको पूरा मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक वॉचेज में यही होता है कि जो आपको इंटरनल इसका मैकेनिज्म होता है टोटली विजिबल होता है। इसका डायल की कटिंग जो होती है, डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से दी गई है। देखिए यहाँ से आप डायल देखेंगे तो डायल को यहाँ से कट देकर उसके बाद छोटी सी बड़ी बारीकी के साथ टाइटन का यहाँ पर लोगो दिया गया, और पेज के साथ राउंड में जो मूवमेंट है फ़ैन की, जो मूवमेंट है वो डिज़ाइन की गई है और जाके प्रॉपरली विजिबल हो सके। और ये छोटे छोटे डिज़ाइनिंग इसमें दी गई है, और जो साइड में डायल है जो साइड में, वहाँ पे आपको नंबरिंग प्रॉपर देखने को मिल जाती है। मतलब इतनी बारीकी से इसको डिज़ाइन किया गया था, बहुत ही खूबसूरत लुक में ये आपको देखने को मिलती है। इंटरनल पूरा मैकेनिज़म इसमें विजिबल होता है। इस वॉचेज का जो ऑलमोस्ट वॉचेज आती हैं उनका प्राइस 15,000 से लेके अपर रेंज में जाता है, लेकिन इसका आप कह सकते हैं 2 ईयर्स की इसकी मैकेनिकल वारंटी, 1 ईयर की इसकी कलर की वारंटी होती है। बैटरी इसमें होती नहीं, ऑटोमेटिक वॉचेज है, बस आपने इसे वियर करना है। वियर करके मूवमेंट के साथ ही ये आपकी चार्ज होगी, और टाइम बस एक बार आपने मिला दिया, टाइम का भी इसमें कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं आता। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर आप वियर करते हैं और आपके हाथ से गिर जाती है तो इसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। आइदर इसमें किसी तरह के प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं होते। तो एक खूबसूरत वॉच है। थैंक यू वेरी मच।